ये टेढ़ा हो जाएगा तो एक तरफ मिट्टी निकालने लग जाएगा, उस तरफ से मिट्टी निकालेगा, ठीक है। अगर इसको घुमा के अपनों ने बैक साइड मिट्टी लगा, दीवार के साथ मिट्टी लगानी है, तो ये बैक साइड घूम जाएगा, ये बैक साइड ऐसे घूम जाएगा और बिल्कुल उधर जाके जुड़ जाएगा, और ये मिट्टी दीवार के साथ लगानी है तो लगा सकते हैं। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए कृषि यंत्र और एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट है बेहतरीन से बेहतरीन लेकर आता रहता हूं। इसी क्रम में आप सभी भी जानते हैं कि साधु इम्प्लीमेंट जो कि सांगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है, तो ये किसान भाई के लिए पिछले बहुत सालों से अच्छे अच्छे इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं और किसानों की एक पहली पसंद बन चुकी है। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर हल पंजा वाला सत्ता वाला, तो इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इनका वजन कितना रहने वाला है, कितने एचपी ट्रैक्टर से ऑपरेट होगा, आपको किस प्रकार मिलेगा, आपके नज़दीक इन इम्प्लीमेंट्स के डीलर कहां पर स्थित है, आपको कहां पर, यानी कि पूरा संपूर्ण वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सर, सबसे पहले अपना किसान भाइयों को परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं साधु इम्प्लीमेंट से हूँ और आपके लिए आज हम लेके आए हैं जिसको अलग अलग भाषा में तोता, तोता हल, पंजी, सत्ता, चीजल पुलाऊ, डक फुट पुलाऊ, अलग अलग भाषा, जैसा जैसा देश वैसा भाषा है। और जो इनका वजन रहता है, जो पांच वाला है, जो जिसको पंजा बोलते हैं, इसका ये इसका वेट आता है 325 किलो। ये 40 से 45 एचपी के ट्रैक्टर के लिए बना हुआ है। जितनी भी कठोर और जितनी भी हार्ड ज़मीन हो उसमें चलता है, ये बना ही हार्ड और कठोर ज़मीन के लिए है। और इसके पीछे जो ट्रैक्टर यूज़ होगा वो 40 से 45 एचपी का ट्रैक्टर यूज़ होगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर किसी के पास बड़ा ट्रैक्टर है, 50 एचपी है, 55 एचपी है, उसके लिए ये सत्ता 60 टाइन वाला चीजल प्लाऊ यूज़ होता है। इसका वेट रहता है 415 किलो, ठीक है जी। और ये एक फीट तक गहरा जाता है। इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो एक फीट तक जाती है, 12 इंची तक जाती है। ये ज़मीन को नीचे से बिल्कुल नरम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे क्या है, जो ज़मीन को ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो संपूर्ण मिलता है, पूरा मिलता है, जिससे फसल की पैदावार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप एक किसान भाई को ये भी जानकारी दे दीजिए कि उनको बता दीजिए कि ये बिल्कुल एकदम लोड फ्री ट्रैक्टर के इक्विपमेंट। हाँ, इसको जैसे ये सत्ता है, इस पर 50 एचपी का ट्रैक्टर ब्लैक सॉइल में, जैसी भी सॉइल है, जैसी भी ज़मीन है, बढ़िया बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और जो छोटे ट्रैक्टर है, जैसे 40 एचपी हो गया, 45 एचपी हो गया, उसके लिए पाँच वाला बनाया हुआ है, उसमें पांच वाला चलता है, उसमें कोई लोड नहीं आता। बाकी इसकी क्वालिटी की आ गई, ये इसका जो फ्रेम है ये बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, हैवी ड्यूटी बॉक्स है, ये बॉक्स में दिया हुआ है। जो इसके ब्लेड हैं और जो इसकी जो शोवल हैं, सब्बल हैं, ये चीज़ इसके बोरन स्टील में आता है, नॉर्मल मटेरियल नहीं है, ये बोरन स्टील आती है, ये कम घिसेगा और ये टूटेगा फूटेगा नहीं बिल्कुल भी। और बाकी आप इसकी क्वालिटी देख ही सकते हो। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कभी टूटेगा फूटेगा नहीं, अगर बाई चांस किसी भी किसान भाई इसके कुछ समय चलने के बाद में इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो लोकल मार्केट में मिल जाएगा? हाँ, हमारे MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, UP, सभी स्टेटों में अलग अलग डीलर हैं। हमारा एक सर्विस नंबर है, उस पर कॉल करें, वो आपको नियर बाय जो भी डीलर होगा उससे आपका जो भी आपको इसकी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है वो आपको वहीं मिल जाएगा। आपको ऐसे नहीं है कि वहाँ संगरिया आना पड़ेगा या संगरिया से मंगवाना पड़ेगा, हमारे हर ज़िले में, MP में हो गया, महाराष्ट्र में, हर ज़िले में डीलर बैठे हुए हैं, उनके पास पार्ट्स मिल जाएगा आपको। किसान भाई, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे सर के, तो आप इनसे अगर डीपली जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और आप अपना एड्रेस बताने के बाद में ये आपको बता देंगे कि आपके सबसे नज़दीक में कौन सा डीलर है। हाँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और परचेस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी वाला, यानी कि पहली बार ऐसा हम लेवलर देख पा रहे हैं, तो इसको किसान भाई किस प्रकार ऑपरेट करेगा, इसकी क्या क्या खासियत है वो जानकारी। देखो जी, ये लेवलर है, ये मिट्टी खींचने के लिए काम आता है, ठीक है, पर इसको हम 360, मतलब ये थोड़ा सा दूसरे लेवलर से थोड़ा यूनिक है,
ठीक है, ये हर एंगल में यूज़ होता है, इसको 360 डिग्री एंगल लेवलर बोलते हैं, ठीक है। इसको अपने सीधा तो चला ही सकते हैं, जैसे सीधा होता है मिट्टी खींचने के लिए, सीधा चलता है। बाकी इसको अपने टेढ़ा चलाना है, अगर एक तरफ मिट्टी निकालनी है तो ये टेढ़ा भी यूज़ हो जाता है। ये यहाँ ट्रैक्टर यहाँ जुड़ेगा, ये टेढ़ा हो जाएगा तो एक तरफ मिट्टी निकालने लग जाएगा, उस तरफ से मिट्टी निकालेगा, ठीक है। अगर इसको घुमा के अपनों ने बैक साइड मिट्टी लगा, दीवार के साथ मिट्टी लगानी है, तो ये बैक साइड घूम जाएगा, ये बैक साइड ऐसे घूम जाएगा और बिल्कुल उधर जाके जुड़ जाएगा, और ये मिट्टी दीवार के साथ लगानी है तो लगा सकते हैं। यानी ऐसा मान लिया जाए किसान भाइयों को कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। हाँ, ये 360 लेवलर है, ये चार एंगल से यूज़ होता है, चार एंगल से यूज़ हो जाता है। तो आप इस नीचे वाली जो ये ब्लेड देख पा रहे हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम तो इसी का रहता है। हाँ जी, बाकी इसका जो वेट है, इसका वेट तो 260 केजी रहता है। बाकी जो इसका जो ब्लेड लगा है, ये 5 इंची ब्लेड लगा हुआ है, ये भी कार्बन स्टील का आता है, ये नॉर्मल लोहे का नहीं है, ये भी कार्बन स्टील में आता है। क्योंकि चाहे कोई पत्थर वाली ज़मीन हो, चाहे वो कड़क ज़मीन हो, चाहे नरम ज़मीन हो, ऐसे नहीं है टूट जाएगा, फूट जाएगा, मुड़ जाएगा, वो बात नहीं रहेगी। ये हैवी ड्यूटी में बना हुआ है, नॉर्मल कराहे तो 150 केजी के बनते हैं, ये 260 केजी का करा लेवलर है। किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर किसी किसान भाई को ये पसंद आता है, अगर वो घर बैठे भी मंगवाना चाहता है, वो आपके पास विजिट करना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो भी एक बार जानकारी दी। सर, अगर कोई किसान भाई घर बैठे मंगवाना चाहता है, बाकी वैसे तो हमारे डीलर हैं, आप डीलर थ्रू ले सकते हो। बाकी अगर हमारी कंपनी है जो संगरिया राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में है, ठीक है, वहाँ आके परचेज कर सकता है। बाई ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से हम भेज सकते हैं, उसका जो नाम मात्र खर्चा लगता है वो लगेगा, बाकी आपके घर बैठे बैठे ये पहुँच जाएगा बाई ट्रांसपोर्ट से। किसान भाइयों, हमारा मकसद है किसानों के लिए किसानों के साथ, किसान भाइयों को एक अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिखाना, भारत के अंदर जितने भी प्रकार की मशीनरी उन सभी मशीनरी के बारे में जानकारी देना। तो किसान भाई, जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को लाल बटन दबाकर प्रीमियम सब्सक्राइब करें। तो सर ने पूरी जानकारी दे दी और नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप आसानी के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे और शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। नमस्कार।